अगर मैं किसी को भी इस तरह का नारा लेना, विवेक श्रीवास्तव जी कहें कि आप जबरदस्ती बोलिए, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, ये नहीं है हमारी संस्कृति। हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि आप इस देश में रहेंगे तो जय श्री राम कहेंगे। ये मैं बहुत खुलकर कहती हूँ, ये हमारा ना आचरण है और ना हमारी संस्कृति है। और उसी आधार पर मैं कहूंगी कि किसी भी तरह का ऐसा धार्मिक नारा, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। और इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है, हमें नहीं चाहिए किसी तरह का हो हल्ला, हमें नहीं चाहिए कोई विवाद। जी नहीं, गाइडलाइंस की आवश्यकता है नहीं, ये आपके पीनल कोड में ऑलरेडी निर्धारित है। बिना गाइडलाइंस के भी पुलिस एक्शन ले सकती है और अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात देखिए, मैं डीजीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक्स डीजीपी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, विक्रम सिंह जी की, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। सर, पैलेस्टीन एक इंटरनेशनल कॉज है, अमेरिका के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स उसके झंडे लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं और अमेरिका की सरकार कुछ नहीं कहती। ये चीज़ यूरोप में भी होती है और अन्य देशों में भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़का पैलेस्टीन का फ्लैग अगर लेकर के घूमता है तो योगी साहब की पुलिस उसको उठा करके जेल में डाल देती है। आप इसको हाई हैंडेडनेस कहेंगे या नहीं कहेंगे? और पैलेस्टीन मुसलमानों का कॉज नहीं है, पैलेस्टीन के कॉज को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सपोर्ट किया और नेहरू से लेकर के आज तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस कॉज को समर्थन दिया है। तो एक हाई हैंडेडनेस माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार में और खासकर 2014 के बाद इस मुल्क में देखी गई है। मोहन भागवत जी जो मर्जी कहें, बीजेपी इज द पॉलिटिकल माउथपीस ऑफ आरएसएस, जो संघ का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसके अंदर एक 5000 साल पुरानी संस्कृति को ये फिर से रिलीव करना चाहते हैं, उसी के लिए बीजेपी है एंड इट इज वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स। तो मेरा ये कहना है कि ये मात्र गाइडलाइन से नहीं होता। जहांगीरपुरी में हमने क्या देखा कि हनुमान जयंती में एक जुलूस जाता है मस्जिद के बाहर, उसके हाथ में तलवारें होती हैं, डीजे बजता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके बाद अचानक एमसीडी जागृत हो जाती है और गरीब मुसलमान जूस वाला, चाय वाला, पंचर वाला, इनकी दुकानें बुलडोजर शुरू कर देती है। विवेक जी, विवेक जी, इस बात को मानिए, सुनिए मेरी बात, विवेक जी, स्ट्रे ऑर्डर लेकर के, विवेक जी मेरी बात मानिए, जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं और बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं तो आम आदमी को वहां डर ही लगता है कि न जाने क्या कर जाए। ये बात एक सत्य है, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिएगा। और मैं तो ये मैं धार्मिक जुलूस कह रही हूं, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रही, सब धर्मों की बात कर रही हूं। जब एक मॉब निकलता है, बहुत बड़ी भीड़ निकलती है और वो धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को एक डर लगता है। और ये मैं क्यों कहूं, जिस तरह से कांवड़ यात्रा के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है, तो ऐसा नहीं है कि सर मुहर्रम के लिए कहा गया है, भाई कांवड़ यात्रा के लिए भी गाइडलाइंस है और वो क्यों नहीं होनी चाहिए? जब एक बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं उन्हें भी सहूलियत हो और उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी से पहले रिएक्शन ले लूं, डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं। प्रेम शुक्ला जी, समस्या नहीं है, ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग तो जानबूझकर ये कराते हैं जी। विवेक जी भी वही कह रहे हैं और लारी जी भी वही कह रहे हैं। देखिए श्रीमान विवेक जी, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू संस्कृति 5 लाख वर्ष पुरानी है, पहले इसके लिए आपको साधुवाद, नहीं तो कम्युनिस्टों ने तो पता नहीं हिंदुओं को क्या क्या गालियां दी हैं। तो आप में ये जो परिमार्जन और परिष्करण हुआ है ये साधुवाद के योग्य है। अब दूसरी बात भाई, इस देश में आप जो हैं अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों को सर तन से जुदा कर देंगे, अपराध है। उसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, वो भी अपराध है। कोई भी किसी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला कार्य करता है तो भारत में उसको स्वीकार्यता नहीं है और हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप जो है जिहादियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। आप जो है एक मदनी नाम के जिहादी को जो कोयम्बटूर ब्लास्ट केस में अल्लाह अकबर का नारा लगा के लालकृष्ण आडवाणी जी की सभा में निर्दोषों का नरसंहार कर दिया, उसको केरल की विधानसभा में आप उसके खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव ला देते हैं। आप कम्युनिस्ट जो अजमल कसाब के समर्थन में पत्राचार करते हैं, आप जो है अजमल कसाब जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, ये निश्चित तौर पर जो है निंदनीय है। और इस देश में हर किसी को, जैसे हमारे एक मित्र ने अभी, एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा कि इमाम हुसैन जो है वो शांति और सौहार्द के प्रतीक है, और इमाम हुसैन का जब यजीद ने छल पूर्वक करबला में जो है उनकी नृशंस हत्या की, कुर्बानी हुई उनकी, तो हिंदुस्तान के लोग इतिहास गवाह निकले और आज भी हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं वो, इस तरह के लोग निकले उसके विरोध में खड़े हुए लोग। तो इमाम हुसैन हमारे लिए जो है भारतीयों के लिए भी आदर के पात्र हैं।
प्रभु रामचंद्र जी भी जो है वो समग्र विश्व के लिए आदर के पात्र है, लेकिन अब प्रभु रामचंद्र जी का कोई नाम लेगा उस पर बाबर जैसा कोई आक्रांता आकर उनके मंदिर का विध्वंस कर देगा, आप उस बाबर के साथ खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि आप पैगंबर मोहम्मद साहब एक और बड़ी बात कही गई है, मैं उस पर भी जरा रिएक्शन लेना चाहती हूँ। लारी साहब भी बोलना चाहिए, लारी साहब आपके तो पार्टी के सांसद क्या क्या कह रहे हैं उस पर मैं आऊंगी अभी। एक बड़ी खबर जरा बता देती हूँ, इसी मामले से जुड़ी है, यूपी के अमेठी में विवादित नारे का जो मामला है उसमें हिरासत में लिए गए, पुलिस का कह रहा है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इस वीडियो की पूरी जांच कराई जा रही है, तो इस वीडियो की भी जांच कराई जा रही है और जो नारे लगाए गए हैं उस पर पुलिस का बयान आया है। अब मैं एक बार जरा डीजीपी सर आपको, क्योंकि सीधे संबोधित कर रहे थे विवेक जी, मैं चाहती हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, हम यहां पर कुछ नेताओं ने यह तक कह दिया कि देखिए बीजेपी तो अपने हाथ में कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आ रहा है वो कानून वो बना रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनका बयान आया। अब व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मामले कोर्ट पुलिस तक जाए ना, जो उन्होंने कहा कि आम लोगों में भी इतनी समझ होनी चाहिए, इस तरह के नारे भड़का सकते हैं ये सब जानते हैं, ऐसे में उकसावे वाली कार्रवाई, इस तरह की मामले में कार्रवाई होती है तो एक संदेश भी तो जाता है। बिल्कुल होना चाहिए, पहले धारा 153 AIPC पुराने कानून में और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 196 ये दंडनीय अपराध है और इसमें 3 साल से ऊपर तक की सजा भी है और इसके ऊपर पालन होना चाहिए। वीडियोग्राफी हर जुलूस की होनी चाहिए, कांवड़ मेले की भी और ये मुहर्रम के जुलूस की भी, रामनवमी के जुलूस की भी, और जो कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब विवेक श्रीवास्तव जी की बात को लेकर के आप जरा गौर से देख ले कि जहां पर लोग हिंसा पे उतारू थे छात्र, उनको वहां की पुलिस ने ऐसे 3rd degree के साथ महिला जो स्टूडेंट्स थी उनको पुरुष पुलिस कर्मी ने दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी करा करके उनको गाड़ी में डाला। मैं इसकी निंदा भर्सना करता हूं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा तो प्रसाद के लिए तैयार रहे। मैं फिलिस्तीन के बारे में मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो घोषित हमारी नीति है मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जो हमास का समर्थन करता है केरल में जिस तरीके से हमास के नेताओं का उन्होंने वीडियोग्राफी के द्वारा उनका भाषण कराया, हमास लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद और इस तरीके और संगठनों का एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहला है। मैं कठोर मना करता हूं हमास की और ऐसे चरमपंथी जो संगठन है और उनको कोई समर्थन नहीं, कोई समर्थन अगर देता है तो पूरा राष्ट्र उसका विरोध करना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, और इसमें एक और एंगल है डीजीपी सर, यहाँ पे तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी संसद में जाकर जय फिलिस्तीन बोलकर आए, समस्या ये नहीं है कि आप किसकी जय कह रहे हैं, समस्या ये है कि आप किसको ये शर्त बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो आपको ये करना होगा, ये शर्तें नहीं चलेंगी इस देश में, मेरा सीधा सीधा कहना ये है और ये हर तरफ से नहीं होंगी, ये किसी तरफ से नहीं होंगी। विवेक जी मैंने उस नारे से भी राष्ट्र सही है शपथ लेते हुए इस देश में, क्या विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, स्पीकर को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था ना, तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया, नहीं नहीं आपकी आवाज गायब, ये तो सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करता है। हाँ। और तभी राहुल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति दिखाई वहां पर लोकसभा के अंदर कि देखें ये वो प्रति है, ये वो संविधान है जिसकी रक्षा करनी है जो चाहिए हमें, लेकिन आते हैं बीजेपी के सांसद और शपथ लेने के बाद कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र,